अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है तो आपने इस तरीके के पेपर बैग्स जरूर देखे होंगे। हम यूजुअली इन पेपर बैग्स को फेंक देते हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना इनसे हम कुछ DIY ट्राई करें। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्चर। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्लांटर, वो भी इन पेपर बैग्स की हेल्प से। ऑल यू हैव टू डू इज आपको इस पेपर बैग के सेम लेंथ के स्ट्राइप्स कट करने हैं। सबसे पहले मैंने इसके बॉर्डर्स को कट कर दिया है और इसके बाद हम इसके इक्वल लेंथ के स्ट्राइप्स कट करेंगे। अब जब मैं बोल रही हूँ इक्वल लेंथ के, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्केल से मेज़र करके कट करोगे, जस्ट थोड़ा एक आइडिया लेके और ऑलमोस्ट सेम साइज़ के कट करना है हमको स्ट्राइप्स। अब हम इन स्ट्राइप्स को जोड़कर एक लंबी स्ट्राइप तैयार कर लेंगे, इन मतलब आप कह सकते हैं एक लेस के फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। नाउ व्हाइल स्टिकिंग दीज स्ट्राइप्स, आप एक बात का ध्यान रखें कि जो प्रिंटेड साइड है उसको हम बैक साइड में रखेंगे और जो प्लेन साइड है उसको हम अपर साइड में रखेंगे, एज यू कैन सी इन द वीडियो। इसी तरह इन स्ट्राइप्स को जोड़कर मैंने तीन लंबी स्ट्राइप्स तैयार कर ली है। अब हम कुछ इस तरीके से इन स्ट्राइप्स को क्रश कर देंगे, यानी कि मोड़ देंगे। तीनों स्ट्राइप्स को हमने अच्छे से मोड़ दिया है। अब हमें इसका एक ब्रेड बनाना है, जिसके लिए मैं इसके एक एंड को साथ में स्टेपल कर रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ टेप हम इसे टेबल पे स्टिक कर देंगे। अगर आपका भाई या कोई बहन फ्री है तो आप उन्हें भी पकड़ा सकते हैं और फिर इसे आराम से ब्रेड बना सकते हैं। जब हम इन स्ट्राइप्स का ब्रेड बना रहे होंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत लंबे स्ट्राइप्स ना लें, अदरवाइज वो आपस में उलझ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इन स्ट्राइप्स को कट कर दिया था। अब मैं इसके एंड पे ये स्ट्राइप्स वापस जोड़ दूंगी और फिर आगे का ब्रेड बनाना स्टार्ट करूंगी। और ये हमारी ब्रेडेड रोप बिल्कुल तैयार है। अभी हमें चाहिए एक प्लास्टिक बॉटल, जिसे हम हाफ कट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ।
अब हम जो हमने रोप तैयार करी है उसे इस प्लास्टिक बॉटल पर स्टिक करेंगे। मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है, आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो आप क्विक फिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। And here this beautiful planter is ready. I think it's looking super aesthetic. Do let me know in the comment section below if you liked this DIY. Thank you for watching the video. Stay tuned, and if you haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe. Bye bye.